वेलकम टू सुदीप रावत ब्लॉग अगेन। काफी लोगों की इंक्वायरी आई थी कि सुदीप भाई मेरा जो वर्क परमिट है 2021 का है, ठीक है। कोई बोल रहा था सर मेरा दो वर्क परमिट 2022 का है, 23 का है, अब 24 आ गया। 24 में जो सैलरी है वो 4200 है, तो क्या मेरा सैलरी इतना ही रहेगा, ठीक है। तो इस सेशन के ऊपर हम बात करेंगे गाइस, और जिस हिसाब से आप लोगों के फीडबैक मिलते हैं मेरे को, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। काफी लोगों की हेल्प हो रही है, हम इसके ऊपर मेहनत करते हैं। और ये वाला जो डाउट था, ये बहुत सारे लोगों का डाउट है, ठीक है। क्योंकि सैलरी अगर आप देखोगे 2021 में ऑलमोस्ट 2800 सैलरी थी, उसके बाद 2022 में जो सैलरी थी वो 3050 थी, ठीक है। उसके बाद 3500 हुआ, अब जो है 4200 हो गया। तो भाई इसके साथ साथ मैं जो है आपको अलर्ट भी दूंगा। अलर्ट कहने का मतलब है जिनके वर्क परमिट 2021 के हैं, भाई वो सारे के सारे जो है लाइन में खड़े हैं, ठीक है, अलर्ट लाइन में। क्योंकि अगर उनका अपॉइंटमेंट नहीं आया, जैसे मार्च अप्रैल में जिनके एक्सपायर हो रहे वर्क परमिट, ठीक है, वो सबसे क्रूशियल लाइन में जिनका अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं आया, दे आर वेटिंग, उनके वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। ये भी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 3 साल वाले वर्क परमिट में जिन्होंने डील किया है, बाकी 2 साल वाले तो ऑलरेडी खत्म हो गए, ठीक है। 23 चला गया, अब जो है ये क्या बोलते हैं 2022 वाले बचे हुए अभी जो 25 आने वाले हैं, या फिर 2023 में 26 में 2024 में 27 में वो खत्म होंगे वर्क परमिट 3 साल वाले। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दिस इज सुदीप रावत ब्लॉग और हमें अपने ट्रेनिंग रूम में, आपको मालूम है ये सिटी वाला ऑफिस है हमारा। अब जो है आज मैं फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा टॉपिक के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है भाई साहब, जो है ये सैलरी वाला सबको इश्यू है कि भाई ये सैलरी सेम रहेगा नहीं रहेगा 2021 22 23 24 वाले वर्क परमिट के ऊपर, ठीक है। तो गाइज आप हम अपने अबू धाबी सिटी वाले ऑफिस में, और अगर आप पोलैंड क्रोशिया माल्टा हंगरी लिथुएनिया, चाहे आप जलोटी कमाना चाहते हो, क्रोशियन कूना कमाना चाहते हो, ठीक है, यूरो कमाना चाहते हो, फॉरेन कमाना चाहते हो, यूरो लिथुआनिया में भी यूरो चलता है वो कमाना चाहते हो, तो आप हमको फॉलो कर सकते हो यूट्यूब में सुदीप रावत ब्लॉग में। और हम बात करेंगे आज पोलैंड सैलरी ग्रॉस, ठीक है। ये ग्रॉस सैलरी का बहुत इश्यू रहता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कई लोगों की सैलरी ना वर्क परमिट में साइड आ जाता हूँ, सो इट विल बी इजी टू यू ये चीज समझाने के लिए। कई लोगों की सैलरी जो है वर्क परमिट में लिखा है ब्रूटो, भाई ब्रूटो का मतलब होता है ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस, ठीक है। एक चीज ये याद रखना, ब्रूटो का मतलब होता है ग्रॉस सैलरी पॉलिश लैंग्वेज में। तो कई लोगों के डाउट रहता है कि सर मेरी सैलरी तो ब्रूटो में लिख दी, भाई ज़लोटी चलता है, पीएलएन चलता है, भाई ये क्या लिख दिया है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करेंगे सेशन। देखो 2021 ये सैलरी थी सबकी, ऑलमोस्ट लोगों को मालूम है, ठीक है, ज़लोटी है जिनके साथ तीन दिन के बाद 3 साल के वर्क परमिट है उनको, भाई मैं बिग अलर्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला अलर्ट उन सबके लिए है, प्लानिंग कर लो कुछ दूसरी कंट्री की, पहली बता रहा हूँ, बाद में मत बोलना सुदीप भाई 3 साल वेस्ट हो गया, और 3 साल वेस्ट में नहीं करना चाहता, ठीक है। रहे 2022 वाले जिनकी सैलरी 3050 जलौटी थी, ठीक है, 3 साल का वर्क परमिट था, 25 में एक्सपायर होगा, ठीक है, अभी भी चांसेस है इनके पास। अब रही बात इनकी जो है, इनके पास अगर 2 साल के परमिट भी है, 2023 वालों के पास सैलरी इतनी थी, ये वाले परमिट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप मैं आपको बताऊंगा अब सैलरी कितना रहेगा आप लोगों का, ठीक है। 2024 में सैलरी इतनी इंक्रीज हो गई, अब जुलाई में भी एक अपडेट आएगा पोलैंड से, क्या अपडेट आएगा सैलरी इंक्रीज का, फिर बता रहा हूँ पहली गाइस सैलरी इंक्रीज होने वाला है दोबारा एक बार और, ठीक है। ये भी 3 साल के जो परमिट है 27 में खत्म होंगे, जितने भी हमारे परमिट आए इस बार सारे के सारे दो है 2027 में फिनिश है, जितने भी वर्क परमिट अभी आए, ठीक है। अब गाइस मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि जितनी भी चीजें मैंने लिखी हुई है ना आपके लिए, ये एक्चुअली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको ध्यान से सुनना और अच्छे से सीखना चीज है। इसलिए मैं देखो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं व्हाइट बोर्ड में लेके आता हूँ ताकि आप लोग लिखो, और इसका जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, तो इजी रहेगा। अब गाइस हुआ क्या, जिन लोगों ने 2021 में अप्लाई किया, 2022 में, 2023 में, भाई ये मैं समझना सुदीप भाई की राइटिंग बहुत एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं है, मैं भी तुम्हारी कैटेगरी का ही बंदा हूँ, ठीक है। तो जो है सैलरी सबका रहेगा 400 इतना जलौटे, ठीक है, चाहे आपके वर्क परमिट 2021 के हैं, अगर आपकी जो है अपॉइंटमेंट आ जाती है 3 साल वालों की अपॉइंटमेंट आ जाती है, तो आपकी सैलरी 4200 जलौटे ही रहेगी। अब आप बोलोगे यार सुदीप भाई वर्क परमिट में तो लिखा है उसमें 2800, आप बोल रहे हो 4200, ऐसा कैसा हो सकता है, ठीक है। या फिर 2023 वालों की सैलरी भी 4200 होगी, ठीक है, 2024 वालों की सैलरी तो ऑलरेडी है 4200, और जो है जिनकी सैलरी 2022 में है वो सब 4200 वाले हैं, कैसे कैसे, अब सुदीप भाई बताएगा, ठीक है। जब भी आपका वीजा लगेगा गाइस,
जैसे 21 वालों का वीजा लगा, 22 वालों का, 23 वालों का, होता क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं जब आप अप्लाई करते हो। इसको ढंग से सुन लेना भाई, ढंग से सुन लो सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद मुझे पता आप लोगों को, आप लोग जरूर बोलोगे सुदीप भाई गुड वीडियो, ठीक है, हेल्पफुल वीडियो, ठीक है। जब क्या होता है, आपके पास दो बार कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जब आप लोग परमिट अप्लाई करते हो, ठीक है, समझ में आया, ढंग से समझो। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन तब होता है जब आप वीजा लेके वहां पहुंचते हो, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो साइन आपका कब हुआ है, 21 में, सही है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कब हुआ, 21 में, 2800 वाला, 3200 वाला, ये सब। लेकिन जब आप 24 में वहां पहुंचोगे तो आपका एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा जिसमें आपकी सैलरी रहेगी 4200 ब्रूटो, समझ में आया। अभी आप लोग सारे के सारे जो है सुदीप रावत ब्लॉक के बंदे हो, तो आप ये चीज बोलना सीखो कि भाई मेरी सैलरी पोलैंड के अंदर 4200 ब्रूटो है, ठीक है। अब कोई बोलेगा ब्रूटो क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, ब्रूटो होता है ग्रॉस सैलरी, ठीक है, पोलैंड के अंदर, नीटो मतलब नेट सैलरी, ठीक है ना। तो आपको अगर ये चीज समझ में आ जाएगी, समझ लेना, कोई बात नहीं, सेशन बनाते रहूंगा बार बार, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको इस तरीके से समझाने की कि किसी की एज अगर 18 साल हो वो भी समझ जाए, कोई 60 साल का हो वो भी समझ जाए, ठीक है। तो भाई लोगों, सुदीप भाई तुम्हारे लिए नई चीज लेकर आया कि 2021-22-23 जिसके भी वर्क परमिट है कोई दिक्कत नहीं है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा जब आप पोलैंड चले जाओगे 2024 में, तो आपकी जो सैलरी होगी वो 4200 से स्टार्ट होगी, समझ में आया। ये वाले कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं करेंगे क्योंकि ये 2021 में साइन है, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, ठीक है, आपके नए कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। अब जो है हर स्टेज में जो है एक चैलेंज रहता है, किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता, गाइज वो बात सही है एंड दिस इज वेरी ट्रू, ये मैं बात मानता हूँ, बट जो है कुछ चीजों में जो है काफी लोग अटके हुए, तो वो मैंने आपको बता दिया जिस हिसाब से हमको क्वेश्चनिंग आती है। अब मैं आपको जो है थोड़ा इधर कर देता हूँ कैमरा, कि आप लोग इसको भी देख सको और जो है मैं आपके क्वेश्चन और आंसर भी जो है दे सकूँ, ठीक है। वीडियो सही लगा आपको, आई होप आप सब लोगों के काम आएगा, ठीक है ना। अब देखो जो चैलेंजेस हैं भाई, सबमिशन स्लिप वर्क परमिट चैलेंजेस रहता है, किसी की अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, किसी का वीजा नहीं लग रहा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग्स। ये मेरा काम है आपको चीजें बताना, मैं आपको एज अ टीचर मैंने आपको चीजें बता दी। अब नंबर किसी के 10 आएंगे चाहे 70 आएंगे चाहे 80 नंबर आएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब सबसे पहले भाई थैंक यू सो मच जितने लोगों ने ज्वाइन किया। एक का नाम है सिकंदर महमूद, अस्सलाम वालेकुम सुदीप भाई, क्या हाल है, वेरी गुड वेरी गुड। हैप्पी शर्मा सर, एनी अपडेट फॉर इस्टोनिया, ठीक है, इस्टोनिया का जैसी अपडेट आएगा बता देंगे। एक का नाम है मुदस्सर हुसैन, सर पोलैंड के अलावा और दुनिया में कोई कंट्री नहीं है, देखो हर कोई मास्टर होता है। अब आप बैठे फिजिक्स की क्लास में तो भाई आपको फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा ना, केमिस्ट्री बायोलॉजी से नहीं पढ़ाऊंगा या मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें इसमें हम लोगों को मालूम होता है, तो हम लोगों को सबसे गाइड करते हैं। आपको नहीं मालूम भाई कितने लोग जो है आंख बंद करके इसमें अप्लाई कर रखा था हमारे थ्रू जाने के, हमारे जब चैनल बना लोगों ने बताया सारी चीजें, हमने बताया ऐसे ऐसे होता है, तब जाके उनको पता चला कि नहीं इसको सीजनल बोलते हैं, इसको वन ईयर का बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। और जो है स्वरूप, लव यू ब्रदर। अब देखो एक बंदा जो है स्वरूप ऑलरेडी जो है पोलैंड पहुंच गया, उसका वो कितना खुश है ना आप सोच भी नहीं सकते। देखो ये कमेंट है, आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो इनके साथ, ठीक है। बी के नाम, सुदीप भाई मेरा समझ स्लिप 24 जनवरी को अभी तक वर्क परमिट नहीं आया, बताइए। देखो 2024 में टाइम लग रहा है सबमिशन स्लिप, देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ, सबमिशन स्लिप जब आपको मिलती है उससे आपको तकरीबन 2-3 महीने वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम पहले जैसे नहीं रहा। देखो 24-23 बताया था ना, 23 में वर्क परमिट आ रहे थे, लेकिन 24 में जो है गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, तो प्रोसीजर क्या हो गया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इस बोर्ड में थोड़ा जगह रहेगा मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया सीन, चलो यहाँ पे समझाता हूँ। ये आपका सबमिशन हो गया, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपकी हार्ड कॉपी हो गई, ठीक है। पहले क्या था, ये प्रोसीजर बहुत इजी था क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर था, एम्प्लॉयर कहने का मतलब आपकी कंपनी। तो अब क्या हो रहा है, जब ये कंपनी सबमिशन डाल रहा है ना, तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट आ जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये अच्छे से चेक कर रहा है कि भाई है कि नहीं है, सैलरी 4200 डाल तो दिया भाई, दे सकते हो नहीं तो, एकोमोडेशन है कि नहीं तुम्हारे पास, कंपनी कितनी पुरानी है, 10 या 15 साल की, ठीक है, या क्या सीन है। उसके बाद ये वर्क परमिट रिलीज हो रहे हैं, नहीं तो ये परमिट भी डिक्लाइन हो जा रहे हैं, ये जब तक ये यहाँ पे यही परमिट जो है यहाँ पे भी डिक्लाइन हो जा रहे हैं, ये तो हार्ड कॉपी तो बहुत दूर की बात है, ठीक है।
तो अब जो है टाइम लग रहा है, एंड दिस इज ट्रू, मेरा कोई भी वीडियो उठाओ और उसको जो है आप किसी को भी दिखाना, जो आपके भाई लोग इस फील्ड में होंगे या फिर जो पोलैंड होगा, हंगरी होगा, उसको बोलना सुदीप भाई ये चीज बता रहा है, तो अब वो आपको बताएगा कि हाँ ये कितनी सच्चाई इस चीज में। ठीक है गिल साहब, सुदीप भाई मेरा इंडिया से पोलैंड का अपॉइंटमेंट 5 जून को दिल्ली में है, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, ठीक है कितने मंथ की होनी चाहिए, प्लीज सर हेल्प मी। देखो जहां तक हेल्प की बात है सुदीप भाई हमेशा आगे रहता है, ठीक है बैंक स्टेटमेंट 3 महीने का रहना चाहिए, और जो है आप अमाउंट की बात करोगे या बैलेंस की बात करोगे वो आपको जो है 1.5 से 2 लाख का रहना चाहिए। जून में टाइम है भाई, अप्रैल मई जून अभी से बना लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। धर्मपाल सैनी, राम राम भाई, मेरे भतीजे है उसके लिए डॉक्यूमेंट में सरनेम नहीं है, लिथुआनिया के लिए ट्राई कर सकते हो। देखो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है सरनेम का इशू आएगा गाइज। लिथुआनिया में सबसे बड़ा इशू है आपकी पीसीसी अपोस्टाइल का, इसको एक बार ढंग से देख लेना। अगर आप इंडिया के अंदर हो, नेपाल के अंदर हो, तब इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आप यूएई गल्फ में हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर इंडिया नेपाल वाले बंदे हो आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। एक आपको कराना है MEA, उसको मोफा बोलते हैं वैसे, लीगलाइजेशन अटेस्टेशन। तो आपको क्या करना है, अटेस्टेशन करवाना है फॉरेन मिनिस्ट्री से अपनी पीसीसी का, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो चलेगा आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र वाला। सेम टाइम में प्लस अगर आपको एक एडवांटेज और जाना है, 100 लोगों ने अप्लाई कर रखा, आप में क्या खास बात है, तो उसमें खास बात नहीं है कि आप उसी पीसीसी को लिथुआनिया एम्बेसी से भी आप जो है एक बार लीगलाइज करवा लो। ठीक है उसका प्रोसीजर है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, अभी जो है मैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, बट जितना भी मैंने आपको हिंट दे दिया। ठीक है फेडरिक, हाय सर हाउ आर डूइंग, आई एम वेरी गुड मिस्टर फेडरिक, एवरीथिंग इज गुड। अब भाई मैं उनके पास चलता हूँ जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, इनका नाम है शंभू कुमार। हेलो सर कैसे हो मिस्टर शंभू। अगला है संजय थापा मगर, सर सैलरी सर्टिफिकेट हो जाएगा पोलैंड जाने के लिए, समझ नहीं आया भाई मेरे। देखो सैलरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सैलरी स्लिप है, देखो स्लिप होती है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट तो आप आज ही बना लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है सैलरी स्लिप लगवा दो 3 महीने 4 महीने की। अब आपको जो है ईमेल के थ्रू आता है, या आपकी बैंक में डिपॉजिट है, या आपका सैलरी अकाउंट है, वहां से आप ये चीज निकाल सकते हो। ठीक है अब है सुवोकर, क्या नाम है चतुर्वेदी, सुदीप भाई मेरा कंसल्टेंट 18 मार्च को VFS के लिए लिथुआनिया TRP माइग्रेस नंबर भी जनरेट हो गया है, लेकिन 15 मार्च कंसल्टेंट बता रहा है कि वो लिथुआनिया जा रहा है फॉर TRP, माइग्रेस नंबर वो जनरेट नहीं हो पाया। मैं समझ में नहीं आपका क्वेश्चन, एक बार चतुर्वेदी एक बार दोबारा पूछो। देखो अगर आपका, मैं आपको फिर भी जहां तक मैं समझाऊं, अगर आपका एजेंट लिथुआनिया जा रहा है, ठीक है आपका एजेंट जा रहा है, अगर जा रहा है अपनी पीसीसी भी उसको दे दो, ठीक है उसको बोलो एक बार फॉरेन मिनिस्ट्री से वहां से भी अपोस्टाइल करवा दे आपकी पीसीसी, इन्हीं चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है बाकी उसके बाद जब पीसीसी आपका आ जाएगा, उसके बाद अपना माइग्रेस नंबर, उसके बाद अपने मेडिटेशन लेटर, फिर जो है वो आप जो है वो कर सकते हो प्रोसेस। ETC बोल रहे सर वर्क परमिट वॉज इश्यू विद ओल्ड पासपोर्ट बट 3 only 11 months लेफ्ट, आई थिंक VFS डेट विल एक्सपायर सो लेस देन बोथ 6 months, नाउ व्हाट टू डू, जस्ट रिन्यू योर पासपोर्ट, पासपोर्ट को रिन्यूअल कर दो। ठीक है दिस इज द ओनली ऑप्शन। विकास कुमार गुरुजी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, 5 महीने हो गए, सऊदी में कुछ प्रॉब्लम है, रिजेक्शन ही बहुत आ रहा है। बिल्कुल मिस्टर विकास कुमार, देखो रिजेक्शन तो है, प्लस सेम टाइम में अगर आप अपॉइंटमेंट की बात करोगे तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ सिस्टम है। ठीक है देन यू हैव टू वेट। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जल्दी लिथुआनिया और हंगरी के लिए मैं आपको SSC टिप्स एंड ट्रिक दूंगा ना भाई, जो आपके अच्छे अच्छे कंसल्टेंट नहीं दे पाएंगे, इवन जहाँ हमने पैसा दे रखा उसको भी पूछ लेना, उसको भी नहीं पता होंगी ये बात है, बहुत जल्दी आने वाले सुदीप रावत ब्लॉग में। ठीक है इसके बाद आपको जो है एक नाम है शाही बिकबाल, सर इंडिया से कितना टाइम लगेगा वीजा स्टैंपिंग VFS में। अब देखो VFS जो है हर कंट्री का अलग अलग टाइम लेता है, लेट्स एग्जाम्पल आप पोलैंड की बात कर रहे हो तो पोलैंड का जो है 2 महीने ले लेता है, क्रोशिया का 3 से 4 महीने लगेगा। ठीक है हंगरी का भी इतना ही लगता है भाई टाइम, हंगरी की याद रखना, हंगरी की जो सबमिशन है वो बहुत लेट में आती है। जहां तक TRP की बात है लिथुआनिया का, अभी तो है नहीं लेकिन जब पहले इंडिया में था वो सिर्फ लेता था 45 डेज एवरेज में सारा का सारा रिजल्ट निकाल के आपके हाथ में दे देता। ठीक है यू कैन डू इट सर, नॉर्थ इंडिया वालों के लिए पोलैंड वीजा पॉसिबल है नहीं है भाई, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है अगर आप 2024 की बात कर रहे हो, अभी बिल्कुल भी जो है लिथुआनिया में जो है आप अभी क्या नाम है पोलैंड में अप्लाई मत करना। ठीक है
आशीष, हाय सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक का नाम है संजीव। सर, चेक रिपब्लिक के 6 मंथ सीजनल VFS और एमबीसी सबमिशन, क्या नाम है इनका? संजीव। देखो, जो मोर देन 90 डेज के सबमिशन होते हैं चेक रिपब्लिक के, वो सारे के सारे एमबीसी के थ्रू होते हैं, ठीक है। अगर आप VFS चेक करोगे स्लॉट, तो वहां पे लिखा हुआ आएगा लेस देन 90 टाइप सी या शॉर्ट टर्म, आप देखना जरा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में सारी की सारी चीजें वो आती है जो लेस देन 90 डेज होते हैं, ठीक है। बलविंदर कौर, सर इंडिया से पोलैंड की अपॉइंटमेंट कैसे ले, वर्क परमिट आ गया, प्लीज बताएं। देखो बलविंदर, मैं तो यही बोलूंगा, अपॉइंटमेंट लेने का फायदा नहीं है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। भले आप ले लो, वो आपकी इच्छा है, अभी भी अपॉइंटमेंट लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे रिजेक्शन है। और अगर आप अपॉइंटमेंट ले भी रहे, तो आपको VFS वीजा फैसिलिटेशन सर्विस के अंदर जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा मोबाइल में, या फिर जो है आप ब्राउजर में जाओ, क्रोम में जाओ, वहां से कर सकते हो। आपको सिंपल यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना है, लॉग इन करना है, स्लॉट मिलेगा तो ओके, नहीं मिलेगा तो आपको बाई करना पड़ेगा ब्लैक मार्केट में जाके। वहां पे भी अगर आप बाई करते हो, तो आपको एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी ही निकालनी पड़ेगी, ठीक है, इसे याद रखना। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस, आई हैव अ मीटिंग टुडे, लॉट्स ऑफ मीटिंग गोइंग ऑन डे बाय डे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था, ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, जिसके भी 2021-22 याद रखना, 21-22-23 के वर्क परमिट है, डोंट वरी, आपका नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, नई सैलरी मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन उठा देता हूं मैं। साहू बोलते सर, नेपाल में बाइक राइडर, एक मिनट भाई, सर नेपाल में बाइक का लाइसेंस पोलैंड में काम करेगा कि नहीं? देखो, आपके पास अगर नेपाल का, इंडिया का, यूएई का लाइसेंस है, वो काम करेगा, बट मेरा ये मानना है कि जब आप जाओगे, उसको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बना के जाना, ठीक है, IDP बोलते हैं उसको। जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आपकी कोई भी पोजीशन है, डजंट मैटर, किचन हेल्पर है, फैक्ट्री वर्कर है, लेकिन आपका लाइसेंस IDP बना के ही जाना, ठीक है, तब आपको पता चलेगा वहां पे कितने पैसे बचेंगे आपके। तो गाइस, ये था मेरा आज का लाइव सेशन, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, नाउ आई हैव अ मीटिंग, काफी लोग जो है अभी फुजेरा, अजमान, अलेन से मिलने आते हैं, दुबई से मिलने आते हैं, तो हमारी मीटिंग रहती है, बट कैसे ना कैसे करके तुम्हारा भाई टाइम निकालता है। अब गाइस, मैं आपको एक वो बताऊंगा कि अगर आपका वीजा 30 डेज का है, ठीक है, आप पोलैंड के अंदर गए, आपका वीजा लग गया, उसमें लिखा हुआ 365 डेज मल्टीपल और जो है 60 डेज, तो क्या आप जॉब कब चेंज कर सकते हो, TRC से पहले या TRC के बाद, या फिर आप अपनी कंट्री आना चाहते हो तो कब आओगे, TRC से पहले या TRC के बाद, ठीक है। सबकी अपडेट मिलेगी आपको। थैंक यू गाइस, कल मिलेंगे सूर्य ब्लॉग में, थैंक यू, लव यू ऑल।